नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत अपराजिता के वाइट फ्लावर के साथ। अगर अपराजिता की बात करें तो सितंबर का मंथ अपराजिता प्लांट के लिए इतना अच्छा होता है। इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट्स भी आप देख सकते हैं कि कितना हेल्दी हो रहा है। तो अब बात आती है, जो मैंने टाइटल दिया है कि मैंने अपना हरा भरा प्लांट अपराजिता का कट कर दिया। तो वो प्लांट मैं पहले आपको दिखाऊंगी कि वो मेरा कौन सा प्लांट है। तो उससे पहले ये प्लांट वही प्लांट है जो बास्केट में था प्लांट, और मैंने इसको 20 लीटर की केन में कट कर दिया और इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आए हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ ये मैं प्लांट शेयर कर दूं, क्योंकि जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो बिल्कुल प्लांट मेरा लगभग, क्योंकि निकालना मुश्किल हो रहा था, बास्केट की जो लोहे की जो टांगने की जो चेन होती है उसके अंदर उसकी टहनियाँ चली गई थी, और जब मैंने उनको निकाला तो पत्तियाँ भी उसकी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों, अब बात आ जाती है अपने प्लांट के ऊपर। तो इस जगह, इस बालकनी में मेरे दो प्लांट रखे हुए हैं जिन्हें मैंने बेलनुमा बना रखा है, और इस पर अब फ्लावर भी आने शुरू हो गए। इसमें 2-3 फ्लावर मुझे मिले हैं। आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है और पूरे ऊपर तक, ऊपर छत को ये टच कर रहा है। तो अगर दोनों प्लांट को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, ये पूरा हरा भरा प्लांट है, लेकिन इस प्लांट की कंडीशन आप देख सकते हैं। हालांकि दोनों को सेम पानी, सेम वाटरिंग और सेम सनलाइट मिल रही है उसके बावजूद भी, और आप देख सकते हैं कि इस पर आप काफ़ी वेट करने के बाद इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आए। तो इस प्लांट से मुझे तसल्ली थी, क्योंकि प्लांट की लीव्स भी हरी भरी हो रही है और अब इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर इसमें थोड़ा और फर्टिलाइज़र ऐड किया जाएगा तो ये समय समय पर इसकी फ्लावरिंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये जो इसके साथ में मेरा जो प्लांट रखा हुआ है, इस प्लांट से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी, या कह सकते हैं कि इस प्लांट को मैं एक नई ग्रोथ देना चाहती थी। तो आप देखिए कि नीचे भी स्टेम में पत्तियाँ नहीं है, और ऊपर अगर आप पत्तियाँ इसकी देखते हैं तो बिल्कुल मुरझाई सी। तो जब हमारा प्लांट हेल्दी नहीं होगा तो फिर फ्लावरिंग में तो दिक्कत आती ही है। तो बस दोस्तों, इसलिए ही इस प्लांट को मैंने बिल्कुल कट कर दिया है, और लगभग पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इस प्लांट को मैंने कट कर दिया है। और इसको कट करने का रीज़न यही है कि अब इस प्लांट को मैं बुशी प्लांट बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस टाइम तो इसकी देख ही सकते हैं कि इस टाइम इसकी इतनी वुडी सी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें इस बेल पे फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं कि हम इसे लंबा लंबा किए जाएं। और देखने में भी ये प्लांट, आपने मैंने दिखाई दिया आपको कि कंपेयर में भी ये प्लांट देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर फ्लावरिंग नहीं भी आती तो अगर प्लांट हमारा सुंदर हेल्दी दिख रहा है, तो बस इसी रीज़न से मैंने इसको कट कर दिया है। लेकिन जैसे कि एक समझदार गार्डनर वही होता है जो अपनी किसी चीज़ को वेस्ट ना जाने दे, तो मैं भी इस प्लांट को वेस्ट नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी इसकी कटिंग्स मुझे मिल गई है और अब मैं इसकी कटिंग भी ग्रो करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की जो मैंने इसकी जो हार्ड प्रूनिंग करी है, और आगे भी एक प्लांट मैं शेयर करूँगी आपसे। तो ये बिल्कुल बुश वेराइटी, हम हमेशा बात करते हैं बुश वेराइटी की और बेल वेराइटी की, तो दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया है कि जब हम इसे बेल नुमा बनाते हैं तो उसमें हालांकि एक प्लांट है जिससे फ्लावर तो आए, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं आ रहे जितने की बुश वैरायटी में आ रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये भी रहता है, क्योंकि ये पूजा वाले फूल हैं तो जब ज़्यादा ऊपर की तरफ हो जाते हैं तो उन्हें निकालने तोड़ने में भी मुश्किल होती है, और अगर हम वैसे नहीं तोड़ेंगे तो फिर फलियाँ बन जाएंगी, फिर फ्लावरिंग पर दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही रहेगा कि हम अपराजिता को बुश की तरीके से ग्रो करें, और ये सभी इतनी स्टैम्प्स जो इतनी प्यारी प्यारी इसकी हेल्दी इसकी स्टैम्प्स है, तो मैं लगभग 8-8, 10-10 इंच की इसकी स्टैम्प्स कट कर लूँगी इस तरीके से। और मेरे पास अब ये इतनी सारी कटिंग्स हो गई हैं, और इस सीज़न में कटिंग्स भी बहुत अच्छे से ईजीली ग्रो हो जाती है। तो एक अच्छे गार्डनर की तरह मैं भी इसको, प्लांट को बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने दूंगी, और जो इसकी लीव्स हैं उसको मैं अपने किसी खाली पड़े हुए प्लांटर में रख दूंगी, ताकि पत्तियां जो हैं ड्राई होकर फिर जब मैं रिपोर्टिंग करूंगी तो इसको यूज़ कर लूंगी। तो जिससे मैं टोरेनिया समझ रही थी, तो दोस्तों वो टोरेनिया तो नहीं निकला। अब ये किस चीज़ का प्लांट है, मुझे लग रहा है जैसे शहतूत की लीव्स हैं,
तो ये प्लांटर मुझे मिल गया है। अब मैं कुछ इसकी स्टेम्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कटिंग्स हो गई हैं और वाइट कलर के, तो इस बार इतने सारे प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, तो अगर ये भी वाइट निकल आया तो पूरा घर ही हम ये कह सकते हैं कि अब प्राजिता के वाइट प्लांट से भर जाएगा। लेकिन कुछ कोई बात नहीं, हम इसे आगे किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं, मेरा मन नहीं माना कि मैं इतनी इसकी अच्छी कटिंग्स को फेंक दूँ या कंपोस्ट में डाल दूँ। तो अगर इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी तो अच्छी बात है, नई भी होगी तो वो मेरा प्लांट है वो नीचे से ग्रोथ कर रहा है और प्लांट दोबारा से कुछ दिन बाद हेल्दी हो जाएगा। तो जो भी प्लांटर्स मुझे थोड़े से खाली दिख रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये मेरे पुराने गार्डन की सॉइल है तो इसमें मैंने थोड़ी सी राख को मिला लिया और अच्छे से गुड़ाई करके, और इसकी जो कटिंग्स है इतनी थिक है कि पूरे 100% सक्सेसफुल के चांसेस है। क्योंकि अपराजिता की तो अगर पतली सी भी कटिंग्स को ग्रो कर दिया जाता है तो वो ग्रो हो जाती है। तो ये तो कटिंग्स अब देखना ही है कि क्योंकि अब आगे आने वाला इन पीरियड जो है डोरमेंसी का है अपराजिता के लिए, तो जो भी होगा हमें कुछ ना कुछ तो नया अपने गार्डन में करना ही होता है। और वैसे भी मेरे पास अपराजिता के भी वाइट कलर के बहुत ही सारे प्लांट हैं, तो मुझे इतना तकलीफ़ नहीं होगी कि ये मेरी कटिंग्स ग्रो होती है या नहीं। जो भी रिज़ल्ट रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने अच्छे से इस प्लांट की बिल्कुल सॉफ्ट कर ली है मिट्टी, ताकि कटिंग्स ग्रो करने में स्टेम जो है वो बिल्कुल डैमेज ना हो। और ये देखिए इसमें कई कटिंग्स मैंने ग्रो कर ली हैं और आप देख ही सकते हैं, वरना अगर आप अपराजिता के प्लांट को देखेंगे तो बिना सहारे के वो खड़ा भी नहीं रहता। लेकिन ये जो इसकी स्टेम्स इतनी पक्की हो गई, हो चुकी है वुडी टाइप हो चुकी है, तो कटिंग्स अच्छे से स्ट्रेट खड़ी हुई है। तो मेरे पास जो भी जगह थी मैंने सभी कटिंग्स को अच्छे से ग्रो कर लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपके पास ग्रो बैग्स हैं तो आप उसमें भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, क्योंकि छोटे वाले जो ग्रो बैग्स जो नर्सरी से आते हैं तो उसमें भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कि जो पिछली कटिंग्स मैंने लगाई थी वो किस कंडीशन में है। तो बस इस तरीके से दोस्तों, लेकिन शायद कैमरा ऊपर नीचे होने की वजह से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कटिंग्स ग्रो करने की तो कई वीडियो हम शेयर कर ही चुके हैं। तो फिर ये इस तरीके से मैंने जो भी कटिंग्स है इसकी लगा दी है, और भी कई प्लांटर में, क्योंकि कटिंग बहुत सारी थी। और जैसे जिस तरीके से ये तीनों आपस में गुथी हुई हैं, तो कुछ कटिंग्स तो मैंने उसी तरीके से ग्रो कर दी, क्योंकि जब प्लांट्स में ग्रोथ अच्छे से आएगी तो मैं, मेरी अगली बार नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी सोच ये है कि मैं अपराजिता के जो भी प्लांट्स हैं उसे ग्रो बैग में ग्रो करूँगी, क्योंकि ग्रो बैग में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा, 2-3 प्लांट्स मैंने ग्रो किए हैं। ताकि जो गमले हैं, क्योंकि मेरे पास अपराजिता बहुत सारे हो गए हैं, तो अगर मैं अगर सारे इसके लिए पॉट यूज़ करूँगी तो दूसरे प्लांट्स के लिए मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आगे मैं आटे का जो आते हैं ग्रो बैग्स आते हैं, या चावल के ग्रो बैग्स आते हैं, उसमें ग्रो करूँगी। और उसमें हम 2-3 प्लांट्स इकट्ठे लगाते हैं तो वो नीचे से ही बुशी बन के चलते हैं और बहुत अच्छी हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो बैग्स में ग्रो होते हैं। अक्टूबर के मंथ में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और नवंबर तक इसके फ्लावर जो हैं उनका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो कुछ फ्लावर्स को आप प्लांट पर छोड़ दीजिए और उससे फलियां बनेगी, उसमें इतने सारे सीड्स बनते हैं, बिल्कुल मटर जैसी फलियां बनती हैं। तो अगर आप उन फलियों को पेड़ के ऊपर ही, प्लांट के ऊपर ही ड्राई होने देते हैं तो कुछ ब्राउन कलर की हो जाए, तब आप उसको कलेक्ट करके रख लीजिए और मार्च आने पर सीड्स को ग्रो कर दीजिए, तो दोबारा से आप नए नए प्लांट्स भी अपराजिता से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और जुड़े रहिए आगे आने वाली वीडियो से। बाय एंड टेक केयर।